हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और बात रणवीर सिंह की नई फिल्म की, गली बॉय की नहीं, सिम्बा की भी नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होगी 10 अप्रैल 2020 को, कपिल देव की जिंदगी पर बन रही है और खास तौर पर उस पल पर बन रही है जब 1983 में वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे कपिल देव, क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो फिल्म का नाम भी रखा गया है 83 द फिल्म। तो 83 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं। रणवीर सिंह ने और कबीर खान जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये फोटो शेयर किया है जिसमें रणवीर सिंह ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ट्रेनर का फोटो नहीं दिखाया गया है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि कपिल देव खुद कोचिंग दे रहे हैं रणवीर सिंह को कि किस स्टाइल से वो गेंदबाजी करते थे, किस स्टाइल से बल्लेबाजी करते थे। खुद कपिल देव ने ये जिम्मा संभाला है अपने सर पर। तो ऐसे में बात यह है कि दीपिका पादुकोण से कबीर खान की बात चल रही है कि वो 7 दिन की शूटिंग के लिए समय दें और कपिल देव की पत्नी रोमी का किरदार अदा करें। इसमें रोमी के खाते में एक बहुत इमोशनल सीन आता है फाइनल के दौरान, 83 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था उसमें उन्हें लगा कि वेस्ट इंडीज जीतने वाली है, तो वो स्टेडियम छोड़ गई थी और जब वो वापस आ रही थी तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जब अंदर घुसी तो टीम जीतने ही वाली थी। तो ऐसे में काफी इमोशनल सीन फिल्माया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि कपिल देव के कोच के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे। पिछले साल उसी लॉर्ड्स के मैदान में जाए फाइनल में भारत को जीत मिली थी, वहीं कबीर खान और रणवीर सिंह सचिन तेंदुलकर के साथ गए उस वक्त 83 में, जब सचिन तेंदुलकर 9 साल के थे तब ये जीत मिली थी। और लॉर्ड्स के मैदान में इन लोगों ने जायजा लिया, रणवीर सिंह ने बाकायदा ये इंस्टाग्राम पे शेयर की और लिखा कि हम फिल्म की तैयारियों के सिलसिले में आए हैं। तो फिल्म की तैयारियां ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीपिका आते हैं या नहीं ये बाद में पता चलेगा। तो जो बाकी किरदार हैं, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, संदीप पाटिल, ऐसे कई किरदार श्रीकांत वगैरह ढूंढने पड़ेंगे और लगभग नाम तय हैं, लेकिन कबीर खान ने अभी खुलासा नहीं किया है। फिल्म 10 अप्रैल 2020 को आएगी और इसके लिए आप क्योंकि ट्रेनिंग शुरू हुई है उसके बाद शूटिंग शुरू होगी। जो भी खबरें होंगी आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।